तो आपसे मैं एक अजीब सा क्वेश्चन पूछूंगा इस लेसन में. व्हाट इज हेड? सर क्या होता है? सबका सर है, मेरा भी है, आपका भी है. इट्स कॉल्ड योर हेड. बट व्हाई इज इट कॉल्ड योर हेड? बिकॉज दिस इज अ कंपार्टमेंट वेयर योर ब्रेन इज स्टोर्ड. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट पीपल सी. ये वो पहली चीज है आपके जिस्म में जो लोग देखते हैं. इसी तरह वेबसाइट्स में भी जो चीज़ सबसे पहले आप देखते हैं उसको हेडर कहा जाता है. दैट्स व्हाट अ हेडर इज. व्हाट इज अ हेडर? अ वेबसाइट हेडर इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एरियाज ऑफ योर वेबसाइट. आपकी वेबसाइट का वो एरिया जो कि सबसे वैल्यूएबल है और सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी रखता है, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट लोड्स. दैट इज कॉल्ड अ हेडर ऑन अ वेबसाइट. इट रन्स अक्रॉस द टॉप ऑफ द पेज. आपका पेज जैसे जैसे लोड होगा तो आपके पेज के टॉप पे यू विल सी दिस हेडर एंड इट अपीयर्स ऑन एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट. सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेडर इज कि ये हर पेज पे नजर आएगा लाजमी, अनलाइक मेनी अदर कॉन्टेंट या अनलाइक काफी और चीजें जो आपकी वेबसाइट पे हैं. योर हेडर विल ऑलवेज अपीयर. हाँ, कुछ केसेस हो सकते हैं जिस तरह आपका कोई सेल्स पेज हो या आपका कोई लैंडिंग पेज हो जिधर आपका हेडर शायद ना नजर आए. बट यूजली जस्ट लाइक योर हेड अपीयर्स एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम. जस्ट लाइक दिस आपका जो वेबसाइट का हेडर है इट विल ऑलवेज अपीयर एवरीवेयर. द पर्पज ऑफ योर वेबसाइट हेडर इज टू प्रमोट योर ब्रांड एंड टू मेक योर साइट लुक इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल. क्यों? बिकॉज आपका साइट या आपकी जो एक वर्डप्रेस की साइट है दैट्स अ ब्रांड. यू वॉन्ट इट टू हैव अ कूल लुक एंड फील. आप इसकी एक यूनिक सी लुक एंड फील क्रिएट करना चाहते हैं ताकि जब भी आपकी साइट लोड हो तो लोग रिकग्नाइज कर लें कि ये आपकी साइट है. इट कुड बी योर साइट एज अ एंटरप्रेन्योर, इट कुड बी योर साइट एज अ फ्रीलांसर, और इट कुड बी योर साइट एज अ स्मार्ट वर्कर. और इसीलिए हेडर्स में लोगोज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और हेडर्स में जो आपको सबसे पहले एक चीज नजर आएगी लेफ्ट साइड पे दैट इज यूजली अ लोगो. फॉर मेनी बिजनेसेस द हेडर इज द परफेक्ट प्लेस टू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कन्वे एग्जैक्टली व्हाट योर साइट इज अबाउट एंड व्हाट योर बिजनेस डज. और हमने आपको बताया कि जो आपका वेबसाइट हेडर है वर्डप्रेस का वो आपके लिए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Because it contains the first thing that every visitor viewer will see. तो आपने इसका ख्याल रखना है कि आप अपने वेबसाइट के हेडर पे कौन सी चीज़ें दिखाते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं दिखाते. So what about the WordPress header? The header menu option will only be available अगर आपकी थीम इस ऑप्शन को दिखाना अलाउ करती है. Only then. It allows you to choose an image to display in the header of your site. अगर आपकी WordPress की जो साइट है वो हेडर का एक एरिया अलाउ करती है तो सिर्फ आप उसमें कोई इमेज डाल सकेंगे या कोई चीज़ एडिट कर सकेंगे. एंड एवरी थीम हैज़ इट्स ओन वे ऑफ शोइंग यू द हेडर मेन्यू और व्हाट्स एडिटेबल देयर. क्लिकिंग द हेडर मेन्यू ऑप्शन विल टेक यू टू द हेडर मीडिया पैनल इन द कस्टमाइजर. हेडर को आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं? हेडर को आप एक्सेस करेंगे यूजिंग द कस्टमाइजर. याद है कस्टमाइजर किधर है? कस्टमाइजर इज अवेलेबल टू यू इन द अपीयरेंस. या आप अगर हेडर को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली हेडर को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द अपीयरेंस हेडर सेक्शन. जो डिफॉल्ट थीम है जिस थीम का नाम है 2017 जो कि मैंने आपको बताया था वर्डप्रेस की एक थीम है, उसमें जो कस्टमाइजर पैनल है उसका नाम है हेडर मीडिया क्योंकि वो बोथ इमेजेस और वीडियो को सपोर्ट करता है. और इस तरह की थीम्स आपको मिलेंगी जिनमें से कुछ इमेजेस को सपोर्ट करेंगी,
कुछ हो सकता है इमेजेस को सपोर्ट ना करें, कुछ वीडियोस को सपोर्ट करेंगी. सो इट्स ऑन यू टू डिसाइड हाउ यू वांट टू यूज इट एंड व्हाई यू वांट टू यूज इट. वी विल ऑल्सो शो इट टू यू लाइव जब हम आपको लाइव इसका एक ट्रायल कराएंगे. इन अदर थीम्स इट मे बी कॉल्ड समथिंग एल्स. सो आपने इसका ख्याल रखना है कि आपने खुद देखना है कि बाकी थीम्स में शायद ये डिफरेंट नाम से हो. सो प्लीज़ बी माइंडफुल. ये ना हो कि आप सोचें कि हेडर मीडिया नाम से आप सेक्शन होगा और ढूंढ ढूंढ के उसको आपका जो है ना दिमाग घूमने लग पड़े. सो बी वेरी माइंडफुल एंड बी वेरी क्लियर कि थीम के लिहाज से सेटिंग्स माइट चेंज. अगेन इफ यू यूजिंग द 2017 थीम द हेडर ऑल्सो सपोर्ट्स वीडियो. क्या आपको पता था कि 2017 थीम में आप हेडर में वीडियो भी डाल सकते हैं? दैट्स अनदर अमेजिंग फीचर. अगर आपकी वीडियो पहले से डली हुई है तो आप उसको डायरेक्टली वहां से मीडिया लाइब्रेरी से एक्सेस कर सकते हैं, या आप एक नई वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो फाइंड अ यूट्यूब लिंक एंड यू कैन प्लेस दैट ऑन योर हेडर. हाउ कूल इज दैट? द 2017 थीम ऑन वर्डप्रेस अलाउज यू टू डू दैट. जब आपने हेडर की चीज़ों को अपडेट कर लें, देन जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड पब्लिश टू टेक इट लाइव. सो वी विल गो आर डैशबोर्ड एंड वहाँ से हम जाएंगे अपीयरेंस में. अब अपीयरेंस में मैं थीम स्पेशली पहले जा रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू सिलेक्ट द थीम जो कि मैंने अभी तक आपको जिस पर पूरी एक्सरसाइजेस कराई. दैट थीम इज कॉल्ड 2016. इट्स अ ओल्ड थीम. सो पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसकी हेडर ऑप्शंस को देखते हैं, और उसके बाद मैं आपको 2017 की थीम जिसमें ज़्यादा फीचर्स हैं वो ट्राई कराऊंगा. सो 2016 जो थीम इस वक्त मेरे पास इंस्टॉल्ड है उसमें आपको हेडर मेन्यू कुछ इस तरह का दिखता है. इट हैज़ the name, it has a bunch of links. So if I want to edit those, I'll go to header here or header mein jaake I'll go to the header image. Aur agar maine koi header image dalna hai to I'll try to add that image here and see ke samne kya fark padta hai. Ye jis tarah ek bridge hai badi achhi tasveer lag rahi hai, balki bridge chhode mujhe ye इस्लामाबाद की पिक्चर बड़ी अच्छी लग रही है. आई विल ट्राई टू ऐड दैट एज अ हेडर. एक जहन में आपकी चीज़ रहे कि हेडर इमेज यू मोस्टली थीम्स एक अलाउ करती हैं. सो दैट्स व्हाई आई विल सिलेक्ट दिस एंड आई विल क्रॉप दिस और मैं देखूंगा कि इससे मेरे हेडर पे क्या फ़र्क पड़ा. सो ये देखें, यहाँ पे हेडर जो है वो एक नया आ गया है एंड दैट्स दैट डिफाइंस द थीम ऑफ माई वेबसाइट. और इसको मैं पब्लिश भी करूँगा और मैं इसको आपको दिखाना भी चाह रहा हूँ कि कितना एक ये ब्यूटीफुल तरीका है अपनी वेबसाइट को शो करने का टू द वर्ल्ड, बिकॉज इट काइंड ऑफ शोज अ वेरी यूनिक टच. इफ आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद नाउ माय वेबसाइट विल शो दैट. सो दिस इज़ वन वे. उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप अगर कोई और एक इमेज डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं. और अब आपके पास दो इमेजेस हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं रैंडमाइज अपलोडेड हेडर्स. इससे क्या होगा कि रैंडमली एन इमेज विल बी सिलेक्टेड व्हाइल द पेज इज लोडिंग. सो अब देखते हैं कि अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं क्या इमेज चेंज होता है. सो यू विल सी द इमेज विल चेंज. इफ आई क्लिक दिस अगेन, अगेन द इमेज शुड रैंडमाइज. सो ये एक है. एक और काम करते हैं, लेट्स गो बैक एंड चेंज द थीम और 2017 की जो थीम है उसको ट्राई करते हैं, विच इज अ मच मोर पावरफुल थीम. सो ये थीम इंस्टॉल हो गई है, हम जाएंगे हेडर में और हम हेडर में जाके उस थीम को अब एडिट करते हैं. हेडर मीडिया की ऑप्शन आ रही है. आई विल ट्राई टू ऐड अ न्यू इमेज. अगेन मुझे इस्लामाबाद का इमेज बहुत अच्छा लग रहा है. तो ऐसे ही के इससे मेरी साइट पे क्या फर्क पड़ा. सो द साइट नाउ शोज एन इमेज ऑफ इस्लामाबाद एंड इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल. बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू ऐड अ वीडियो ऑफ इस्लामाबाद. तो मैं अब ये देखूंगा कि क्या मैं वो वीडियो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ कि नहीं. वीडियो के ऑप्शन बी है. आई विल ट्राई टू सिलेक्ट अ वीडियो एंड जो हमने एक
सैंपल डाला हुआ था उसी वीडियो को मैं सिलेक्ट करूंगा एंड नाउ यू कैन सी के वीडियो भी यहां पे विजिबल है. सो दैट इज अ सिंपल वे ऑफ शोइंग यू ऑन हाउ यू कैन चेंज द हेडर विद वीडियो और विद एन इमेज डिपेंडिंग ऑन योर थीम. थीम आपकी डिफाइन करेगी कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं. सो keep checking different themes, keep drawing different themes, so we can teach you and we can learn with you.